इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो उबला हुआ आलू, जिसको मैंने 5 से 6 सीटी उबालने के बाद जब ये हल्का ठंडा हो गया उसके बाद मैंने इसे छील लिया हुआ है, इसके स्किन को हटा दिया हुआ है। साथ ही मैंने लिया है 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून मंगरेला लिया है, काला जीरा। और यहाँ पे मैंने लिया है 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, 4 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको मैंने स्लाइस किया हुआ है, पतले पतले स्लाइस करके रेडी किया हुआ है। टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। यहाँ मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च ली हुई है। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई को हल्का गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल, 3 टेबल स्पून। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, जब इसमें से हल्का सा धुआं निकलना शुरू हो जाए, तब हम इसके अंदर डालेंगे कलौंजी और अजवाइन। जब यह हल्का सा भून जाए तब हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद डालेंगे प्याज। प्याज जब हल्का सा भून जाए, जब ये हल्का ट्रांसपेरेंट दिखना शुरू हो जाए, तब हम इसके अंदर डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भूनने की जरूरत नहीं है, हल्का सा भूनना है इसे। टमाटर डालने के बाद डालेंगे हल्का सा नमक ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से कुक होने देंगे। इसे ढकना नहीं है, इसे खुले में ही कुक करना है। जब तक टमाटर पक रहा है तब तक हम आलू को मैश कर लेते हैं। आलू को बहुत ज़्यादा एकदम बारीक बारीक मैश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक आध टुकड़ा इस तरीके से छोटा छोटा रह भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैंने इसे अच्छी तरीके से मैश कर लिया हुआ है। यहाँ टमाटर भी लगभग लगभग कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से मैश हो रहा है। टमाटर को अच्छी तरीके से मैश करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे मैश किया हुआ आलू। आलू को डालने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक। ध्यान रहे टमाटर को कुक करते समय भी मैंने नमक डाला था, उसी हिसाब से नमक डालेंगे। मिर्च भी आप अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भुनने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक आलू का मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा लगाकर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 केजी गेहूं का आटा ले लिया है। स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। नमक को पहले अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से नमक को मिक्स करने के बाद हम नॉर्मल पानी की सहायता से इसका सॉफ्ट डो लगाकर रेडी करेंगे। सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी कर लिया है तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी किया है मैंने। उसी तरीके से आटा लगाकर रेडी करना है, बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए, पूरी के जैसा आटा नहीं लगाना है, एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी करना है इसके लिए, इस रेसिपी के लिए। घी को अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। आटा को रेस्ट करते हैं, 5 से 7 मिनट हो चुका है और यहाँ पे आलू भी अच्छी तरीके से ढाला हो चुका है। तो चलिए अब हम आलू का छोटा छोटा सा गोला बनाकर रेडी कर लेते हैं। जिस भी साइज़ में बनाना हो पराठा, उसी साइज़ में हम गोला बनाकर रेडी करेंगे। आटे से थोड़ा सा बड़ा बनाना है इसे, जितने साइज़ का आटे का गोला बनाएंगे उस साइज़ से थोड़ा सा बड़ा इस आलू के गोला को बनाएंगे, ताकि स्टफिंग अच्छी तरीके से भर कर रेडी हो। अगर आप ज़्यादा स्टफिंग नहीं खाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से गोला बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ आलू के मिश्रण का कुछ गोला बनाकर रेडी कर लिया है, तो चलिए अब हम आटे का भी गोला तोड़कर रेडी कर लेते हैं, ताकि इसका रेसिपी बनाने में, इसका पराठा बनाने में सुविधा हो। आप देख सकते हैं ऐसे ही सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी करना है, ताकि इसका पराठा बनाने में आसानी हो और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम पराठा बनकर रेडी हो। मैंने आटे का भी गोला तोड़ कर रेडी कर लिया है, तो चलिए अब हम इसका लोई बनाते हैं और इसके अंदर स्टफिंग भर कर रेडी कर लेते हैं। अब हम इस लोई को सूखे आटे में डस्ट करेंगे, इसके अंदर होल करेंगे, कैविटी बनाएंगे। कैविटी बनाने के बाद अब हम इसके अंदर स्टफिंग भर देंगे। अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए हल्का सा सूखा आटा लेंगे, आप सूखा आटा भी ले सकते हैं या फिर हल्का सा हाथ में घी लगाकर भी इसे इस तरीके से स्टफ कर सकते हैं, ताकि हाथ में ये चिपके नहीं। अब हम इसे इस तरीके से चिपका देंगे। इस तरह से सभी गोले को बना कर रेडी करना है और इसे आटे से डस्ट करना है। डस्ट करने के बाद हम इसे हाथों की सहायता से फैला लेंगे। हल्के हाथों से फैलाने के बाद अब हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हल्का सा सूखा आटा और डस्ट करेंगे और इसे बेलन की सहायता से हल्के हाथों से बेल कर रेडी करेंगे। जिस तरह से मैं बेल कर रेडी करूँगी, उसी तरीके से आपको भी बेल कर रेडी करना है। बहुत आसानी से बेल कर रेडी हो जाता है, आप देख सकते हैं मैंने इसे बेल कर रेडी कर लिया है। इसे हल्का मोटा ही बेल कर रेडी करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, तो हमें इसी तरीके से बेल कर रेडी कर लेना है। यह तवा भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया हुआ है, तो चलिए अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी डालने के बाद अब हम पराठा को डालेंगे, ताकि पराठा चिपके नहीं। पराठा डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ही इस पराठा को हम सेक कर रेडी करेंगे। जब ये एक साइड से हल्का सा सेक जाए तब हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसे बीच बीच में इस तरीके से हल्का फुल्का अलट पलट करते रहेंगे, ताकि पराठा अच्छी तरीके से सेक कर रेडी हो जाए। पराठा जब दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से सिक जाए तब हम इसके ऊपर डालेंगे घी
आप अपने ज़रूरत के हिसाब से घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद भी हम इस दूसरी तरफ भी घी डालेंगे। आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डालने के बाद हम इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं पराठा बहुत अच्छी तरीके से फूल कर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल कर साइड में रख लेते हैं। सेम तरीके से मैंने एक और पराठा बेल कर रेडी कर लिया है। अब हम इसे भी सेक कर कुक करके रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने कुछ पराठा बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर देते हैं। मैंने इस पराठा को आंवले के अचार, दही और गुड़, साथ ही मैंने आंवला का चटनी जिसके अंदर अदरक और लहसुन, धनिया का पत्ती वगैरह, हरी मिर्ची वगैरह डालकर मैंने इसे पीसकर तैयार किया है। इसी के साथ मैंने इसे सर्व किया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए मैं आपको इस पराठा को तोड़कर दिखाती हूँ कि यह आखिर अंदर से दिखता किस तरीके से है, अच्छी तरीके से स्टफिंग भरा हुआ है या नहीं। बहुत गर्म है, आप देख सकते हैं। इतना बढ़िया तरीके से इक्वली चारों तरफ फैलकर रेडी हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुआ है। जितना अच्छा ये देखने में है, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी और हेल्दी है। तो प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से इस आलू और टमाटर के पराठा की रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करेंगे मेरे रिक्वेस्ट पर।